अगर हमेशा आपके साथ लाइफ में धोखा ही हुआ हो तो किसी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? एक इंटीमेसी कैसे ढूंढ सकते हो? इसी तरीके की कुछ थीम को लेकर आज की हमारी मूवी वाइल्ड ऑर्किड आती है। इस एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ चीजें वियर्ड लग सकती है, पर लास्ट में इसका सब कुछ सही से मीनिंग आ जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर हम देखते हैं, जिसका नाम है एमिली। एमिली एक छोटे गांव में रहा करती थी। वो बड़े शहर में अपनी लॉ की डिग्री उसने परस्यू की है, तो उसे जॉब के लिए जा रही है। सिटी में आकर अलग अलग इंटरव्यूज वो देती है, जहां पर उससे पूछा जाता है कि तुमने ट्रैवल लॉ क्यों किया है, यानी कि एमिली को अलग अलग लैंग्वेजेस आती है, अलग अलग कंट्री में वो जाएगी और वहाँ की कन्फ्लिक्ट दूर करेगी। एमिली कहती है, मुझे अलग अलग कल्चर अच्छे लगते हैं, उनके रिलीजन अच्छे लगते हैं, दो कल्चर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है इसे सॉल्व करना भी उसे अच्छा लगेगा। इंटरव्यू लेने वाले इमेली से इम्प्रेस थे, तो कल ही एक अलग कंट्री में उसे भेज रहे हैं। ये अब अफ्रीका जाने वाली है। नेक्स्ट डे उसके कलीग से मिलती है, जिसका नाम है क्लॉडिया। क्लॉडिया अफ्रीका में जो भी डील हुई है, जो भी कंफ्लिक्ट हुए है, इस सब के बारे में एमिली को बता देती है। ये अफ्रीका पहुंचते हैं और एमिली को ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है। इनका स्टे एक 5-स्टार होटल में है। अब इसके बाद एक काम के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हैं, जहां पर एक होटल बनने वाला है। इस लैंड का ओनर और चाइनीज के बीच में डील होने वाली है। जब एमिली और क्लॉडिया इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो वहां का कॉन्ट्रैक्टर वहां नहीं है। क्लॉडियो को पता चलता है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर उसकी नीज की शादी में गया हुआ है। क्लॉडियो को झूठ लगता है, तो उसके पीछे पीछे वो जहां भी गया है वहां वो जाने वाली है। आज क्लॉडिया की डेट थी, तो एमिली को अपनी जगह वो जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली अबैंडन होटल देख रही थी। यहाँ पर उसने दो लोगों को इंटीमेट होता देखा, वहां से फिर वो भाग कर चली गई। वो अपने डेट के लिए जाने के लिए लेट हो चुकी थी। अपने रूम में जाकर सही से रेडी होकर वो नीचे आई। अब जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली है उसका नाम है जेम्स। जेम्स हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। एमिली लेट हो चुकी थी, तो अंदर जाते वक्त जेम्स ने एमिली को नोटिस किया हुआ था। अब बहुत ही अच्छी तरीके से वो रेडी होकर आई है, तो जेम्स कहता है कि बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट है। एमिली को जरा एम्बेरस्ड महसूस होता है, क्योंकि लेट हो चुकी है। एक दूसरे से अपनी प्रॉपर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये वॉक कर अपनी डेट पर जा रहे थे, पर जेम्स के साथ उसके दो बॉडीगार्ड्स थे। एमिली उससे पूछती है, या तुम जहाँ भी जाते हो ये तुम्हारे साथ ही आते हैं? जेम्स कहता है कि हाँ, वो पहले किडनैप हो चुका था और अब अपनी लाइफ के लिए डरता है, इसलिए हमेशा अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर जाता है। एमिली पूछती है, तुम्हें किडनैप क्यों किया गया था? जेम्स कहता है कि पैसों के लिए। एमिली उसे कहती है, तुम्हें पैसों के लिए किडनैप किया गया, पर फिर भी तुम अमीरों की तरह ही घूमते हो। जेम्स कहता है कि मैं अमीर हूँ, इसलिए मुझे अगर तुम्हें अपोलोजाइज करना पड़ेगा तो मैं कर डालूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ में बस में ट्रैवल करो तो ये भी हम कर सकते हैं। एमिली इसके लिए मना करती है। इसके बाद जेम्स उसे एक प्लेस पर लेकर आता है। इस प्लेस की थीम स्लेव्स है, यानी कि स्लेव्स के आउटफिट में सब वेटर्स हुआ है। डिनर टेबल पर जेम्स कहता है कि एक दिन होगा जब तुम तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को इस रात के बारे में बताओगे। एमिली पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कुछ फैमिली वगैरह चाहिए? जेम्स बोलता है, मैं तुम्हारी मदर को कॉल किया था। तो अपनी लाइफ में क्या चाहती हो और तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, ये सब मुझे पता है। उसने ऑलरेडी एमिली के लिए सब कुछ मंगवाया हुआ भी है। एमिली को फ्लाइट्स की वजह से, टाइम जोन्स की डिफरेंस की वजह से जरा अलग लग रहा था। जेम्स कहता है, कभी कभी आपको अपने आप को भूलना पड़ता है कुछ नया बनने के लिए। वो एमिली को हर जगह पर देखने के लिए कहता है। कहता है कि तुम्हें इन कपल्स को देखकर क्या लगता है, यहाँ एक दुखी कपल बैठा हुआ था। एमिली कहती है कि इस लेडी के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये दोनों एक स्कीइंग ट्रिप पर मिले होंगे, वो आदमी शायद इंस्ट्रक्टर था और इन दोनों में प्यार हो गया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर ही हनीमून के लिए गए थे। जेम्स कहता है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? एमिली अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो आगे का आंसर नहीं करती। जेम्स फिर एमिली को कहता है कि चलो तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है। उसके बाद उसे होटल के ही एक जगह पर वो लेकर आता है। यहाँ पर उसे एक मास्क देता है और ये पहनकर वहाँ डांस चल रहा है। लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटीमेट डांस यहाँ कर रहे थे, जिससे एमिली को जरा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। जेम्स उसके पास से गायब हो चुका था और उसके पीछे से एक आदमी आया जो भालू का मास्क पहना हुआ था। उसने उसे टच करने की कोशिश की, जिससे एमिली बहुत ही डर गई, वहां से भाग गई। एमिली जब अपने रूम में सुबह उठी तब उसके सामने जेम्स बैठा हुआ था। एमिली को क्लॉडिया का कॉल आया और क्लॉडिया उसे कहती है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके सचमुच में नीस की शादी थी।
ये शादी वो एंजॉय कर रही है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आने वाली है। तब तक एमिली के पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। जेम्स एमिली से कहता है कि तुम ऐसे भाग कर क्यों चली गई थी। एमिली को लगा कि भालू का मास्क पहने हुए वो जेम्स था। जेम्स कहता है कि वो मेरा स्टाइल नहीं है। जेम्स उससे अपोलोजाइज करता है, कहता है अगर तुम्हें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगा, मैंने तुम्हें ऑफेंड किया तो इसके लिए सॉरी, आज सब तुम्हारा गुस्सा मैं निकाल दूंगा। तुम्हें कुछ जगह पर मैं लेकर जाना चाहता हूँ जो तुम्हें अच्छी लगेगी। क्लॉडिया उसे कहती है कि मैं बिजी हूँ, बट ही डजंट टेक नो फॉर एन आंसर। अभी जब कहीं जाने वाले हैं तो एमिली फिर से उसी कपल को देखती है जिसे उसने लास्ट टाइम होटल में देखा हुआ था, जिनके बारे में उसने कुछ अजम्पशंस किए थे। जेम्स कहता है तुम्हारे अजम्पशंस बहुत तरीके से सही थे, उसमें से जो आदमी था तो एक्चुअल में स्की इंस्ट्रक्टर नहीं था तो डाइविंग इंस्ट्रक्टर था। जेम्स कहता है कि मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। जेम्स को बाइक राइड करना अच्छा लगता है तो दोनों कपल बाइक राइड करते हुए एक जगह पर आते हैं। यहाँ पर पार्टी चल रही है, ये डांस कर रहे थे, मजे कर रहे थे। दूसरे कपल में जो लेडी है उसका नाम है हैना। यहाँ इस जगह पर हैना के साथ किसी ने बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। हैना ने उस आदमी को रेजिस्ट किया पर वो मान नहीं रहा था, इस वजह से जेम्स और उन आदमियों में जरा फाइट हो गए। ये जल्दी से वहां से भाग गए। इस फाइट में हैना के कपड़े फट चुके थे। हैना का हस्बैंड जिसका नाम है ऑटो, ये उस पर बहुत ही नाराज था। जेम्स हैना को कहता है तुम्हारे कपड़े तुम धक्को मत, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो इसीलिए तुम्हें शो करना चाहिए। वो ऑटो से कहता है कि तुम्हें हैना पर इतना गुस्सा क्यों है, वो किसी और आदमी के साथ थी इसलिए या उसने वो एंजॉय किया इसलिए। उसकी बातों से ऑटो को समझाता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। इन बातों से हैना और ऑटो टर्न ऑन हो चुके थे। गाड़ी में एमिली और जेम्स के सामने ही ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। एमिली देखकर डर गई थी, जेम्स को कहती है कि इन्हें स्टॉप करने के लिए कहो। जेम्स कहता है कि हम इन्हें रोक नहीं सकते। क्या कभी कभी तुम्हें भी इस तरह से एनिमल की तरह नहीं लगता? क्या तुम्हें प्योरली प्राइमल इंस्टिंक्ट महसूस नहीं होती है? वो इंटीमेट नहीं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। इसके बाद जेम्स ने हैना और ऑटो को ड्रॉप कर दिया। एमिली को लेकर एक अबैंडन्ड सी जगह पर वो लेकर आया। ये वही जगह है जहां पर एमिली ने दो लोगों को इंटीमेट होता देखा था। एमिली जब यहाँ आती है तो सरप्राइज्ड होती है। उसे कहती है तुम्हें ये सब चीजें किस तरह से पता है, यानी कि जेम्स को एमिली की फेवरेट फूड के बारे में पता है, उसके प्रिफरेंस के बारे में पता है। वो डायरेक्टली उसके रूम में भी घुस आया था। जेम्स कहता है तुम मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हो, ये जगह तुम्हें इंटरेस्टिंग क्यों लगी ये मुझे जानना था। एमिली जेम्स से कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है जब मैं तुम्हें टच करूंगी तो तुम डिसअपियर हो जाओगे। जेम्स कहता है कि ट्राई करके देखो। उसके पास गई, उसे गले लगा लिया। जेम्स को ये अच्छा नहीं लगा, उसे वो दूर करता है और कहता है मुझे कोई टच करे ये अच्छा नहीं लगता। ऑटो और हैना की रिलेशनशिप जेम्स की वजह से सही हुई तो उन्होंने उसे एक गिफ्ट दिया है। जेम्स से गिफ्ट यानी कि नेकलेस एमिली को देता है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि एमिली को जेम्स जिस जगह पर लेकर गया था जहाँ पर उसे अनकंफर्टेबल लगा और वहां से वो भाग कर चली गई थी, उसी जगह पर एमिली फिर से पहुंचती है। यहाँ पर उसने अफ्रीका की लोकल लैंग्वेज में वेटर से बात की, उससे ऑर्डर दिए। उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था तो उसे लगा कि एमिली को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लग गया। उसे कहता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस टाइम पर मैं सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी को चाहता हूँ। उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बहुत सारे पैसे एमिली को देने के लिए रेडी था। एमिली को यह सही नहीं लगा और वहां से उठकर जा रही थी, तभी जेम्स ने उसे रोक लिया। जो हुआ ये जेम्स को बताती है। जेम्स उसे कहता है क्या तुम्हें बिलीव नहीं होता तुम कितनी डिजायरेबल हो। एमिली कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जेम्स बोलता है यह बहुत ही एक्साइटिंग है हम दोनों के लिए, यानी कि उसे उस आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए कह रहा था। एमिली को बहुत सारी चीजें फील हो रही थी तो जेम्स उसे ये सब फीलिंग्स दिखाने के लिए कहता है। एमिली उसे कहती है कि तुम खुद टच नहीं कर सकते, कुछ फील नहीं कर सकते, तो मेरे थ्रू तुम फील करना चाहते हो। इसके बाद एमिली उस आदमी के साथ एक रूम में गई और उसके साथ इंटीमेट हो गए। ये सब जेम्स देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉडिया अपने कॉन्ट्रैक्टर को लेकर फिर से अफ्रीका में आ चुकी है। उनकी आज डील होने वाली है। जब डील कंप्लीट करने के लिए ऑपोजिट कंपनी वहां पहुंचती है तो इन लोगों में से एक आदमी वही है जिसके साथ एमिली कल रात इंटीमेट हुई थी। फर्स्टली वो उसे पहचान नहीं पाता पर बाद में पहचान ही लेता है। एमिली इस सिचुएशन से अनकंफर्टेबल हो गए और वहां से उठकर चली गई। क्लॉडिया भी सबसे एक्सक्यूज लेकर उसके पीछे पीछे आती है। जो भी सब कल रात हुआ था ये सब एमिली उसे बता देती है। इस पर क्लॉडिया हंसने लग गई थी, उसे कहती है इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ये फिर से डील करने के लिए आते हैं। ऑपोजिट कंपनी कुछ ज्यादा चीजें मांग रही थी। जिस आदमी के साथ एमिली इंटीमेट हुई थी उस आदमी को क्लॉडिया जानती है। क्लॉडिया उसे कहती है, तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर अलग अलग जगह घूमते रहते हो, तुम्हारी वाइफ को लोनली लगता होगा, वो तुम्हें बहुत ही मिस करती है। मैंने लास्ट वीक उससे बात की थी, पार्टी में भी हम मिलने वाले हैं। यानी कि क्लॉडिया उसे ब्लैकमेल करती है कि एमिली और उसके बारे में उसकी वाइफ को बता देगी। इस पर वो डर गया और इनकी डील बहुत ही स्विफ्टली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्ट्रीट्स पर एक बड़ा सा फेस्टिवल होने वाला था। इसके लिए क्लॉडिया आदमियों की तरह ड्रेसअप कर रही थी। वो एमिली को कहती है, या कभी तुम वंडर नहीं करते कि आदमियों की तरह ड्रेसअप करना कैसा होगा? जेम्स जिस तरह से हमेशा से कंट्रोल में रहता है, उसी तरीके से कंट्रोल में रहना कैसा रहेगा? एक्चुअल में जेम्स और क्लॉडिया में रिलेशनशिप थे। क्लॉडिया एमिली से पूछती है कि तुम्हारे और जेम्स के बीच में कुछ हुआ था? जब क्लॉडिया और जेम्स रिलेशनशिप में थे तो जेम्स ने क्लॉडिया को कभी टच नहीं किया। क्लॉडिया जेम्स को लेकर बहुत ही इंट्रिग्ड थी। जेम्स के बारे में सब कुछ जानने के लिए उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी लगाए हुए थे। उससे उसे पता चला कि जेम्स एक ऑर्फन है। जेम्स जिस तरह से क्लॉडिया के साथ डिस्टेंट था, तो क्लॉडिया भी देखना चाहती थी क्या वो एमिली के साथ भी उसी तरह से डिस्टेंट है। जैसा उसने एंटिसिपेट किया था वैसा ही हुआ है। वो एमिली से पूछती है कि जब तुम उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी, या जेम्स तुम्हें देख रहा था? यहाँ से हमें पता चलता है जेम्स हमेशा गेम्स खेलता रहता है। जब एमिली और क्लॉडिया फेस्टिवल में जाने के लिए रेडी हुए, तभी उन्हें न्यूज़ मिली कि जिस होटल पर वो डील करने वाले थे, ये जेम्स ने बाय कर लिया है। क्लॉडिया जेम्स पर बहुत ही नाराज हो गए, क्योंकि उसने जानबूझकर किया हुआ था। अब जो डील करने वाले थे, इस डील में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, पर फिर भी ये डील कम्प्लीट करने के लिए वहाँ पहुँच गए। इस चीज़ के बारे में ये दोनों ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसीलिए रात में फेस्टिवल में बहुत नाची। इसी फेस्टिवल में एमिली जेम्स को भी नोटिस करती है। उससे पूछती है, ये सब तुमने किया क्यों? जेम्स कुछ भी ना कहे हुए वहाँ से चला जाता है। सुबह हम देखते हैं कि एमिली क्लॉडिया के साथ थी। क्लॉडिया बीच पर एक लड़की को नोटिस करती है। उसके साथ उसे इंटीमेट होना था तो अपने रूम की चाबी फेंक देती है। वो एमिली को कहती है कि उसकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज अलग है, तो ट्रांसलेट करने के लिए तुम भी यही रुको। उसके बाद क्लॉडिया इस लड़की के साथ इंटीमेट हो गए, और जब वो एमिली के साथ भी इंटीमेट होने वाला था तभी जेम्स ने उसे रोक लिया। जेम्स यहाँ से फिर जा रहा था तो एमिली गुस्सा होकर उसके पीछे आई। उसे पूछती है, तुम ये सब करते क्यों हो? ताकि लोग तुम्हें डिसअपॉइंट कर सके, तुमने ये सब प्लान किया था। जेम्स कहता है, तुम में बाकी सब लोगों की तरह ही हो। वहाँ से फिर वो चला गया। जेम्स किसी के साथ भी कनेक्शन बनाने से पहले उनकी टेस्ट लेकर उन्हें सही से जान लेना चाहता है। एमिली पर वो चिढ़ गया था और उसे दूर जाना चाहता था, पर उसे एमिली की याद आ गई। जेम्स की वजह से एमिली की डील कंप्लीट नहीं होगी। जेम्स ने जो होटल बाय किया था वो एमिली को गिफ्ट कर देता है। अब उसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। जेम्स बीच पर था तो एमिली भी उसके पास आती है। जेम्स उसे कहता है, ये सब कितना ब्यूटीफुल है, पर उससे ज़्यादा डेंजरस भी। ये एमिली की ब्यूटी के बारे में बात कर रहा था। एमिली उससे पूछती है, तूने मुझे होटल वापस क्यों दे दिया? जेम्स कहता है, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए। जेम्स अब यहाँ से जाने वाला था पर वो जा नहीं पाया। एमिली के फूल लेकर उसे वो मिलने के लिए आता है। वो सब कुछ चीज़ें कन्फेस करने लगता है। कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरे फादर के साथ एक छोटे से रूम में रहता था। एक दिन उसके फादर उसे अकेला ही छोड़कर चले गए। उसने जान लिया था इस लाइफ में मनी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बचपन से वो बहुत ही मेहनत करने लग गया और बहुत सारे पैसे उसने कमाए। 17 साल का था तभी एक बड़ा सा हाउस बाय कर लिया। उसे लगता था कि मटेरियलिस्टिक चीज़ है, यानी कि घर, पैसे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब उसके पास ये सब कुछ था तो फिर भी खालीपन था। उसके बाद उसकी लाइफ में लड़की आई, पर उसने नोटिस किया कि सब उसके पैसों के लिए उसके पास है। जेम्स पहले हतलाता था, इसलिए सही से बात भी नहीं कर पाता था। वो ज़्यादा बात नहीं करता तो इसलिए लड़कियों को लगता था कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग है। उन लड़कियों के साथ फिर जेम्स गेम खेलने लग गया। वो एमिली को कहता है, प्यार करने का मुझे दूसरा कोई वे पसंद नहीं है। वो रियल इंटीमेसी से डरता है। एमिली उसे कहती है, तुम डरो मत, आओ और मुझे टच करो। जेम्स ये भी करने से अपने आप को रोक रहा था। एमिली उस पर चिढ़ गई और वहाँ से जा रही थी तो उसे उसने पकड़ लिया। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि दोनों मिलकर एक जगह पर जा रहे हैं, यानी कि रियल कपल ये बन चुके हैं। जेम्स हमारा एक स्कार्ड कैरेक्टर था, ये किसी पर भी बिलीव नहीं कर पाता था। जब एमिली से वो मिला तो एक्चुअल में उसे कुछ फीलिंग्स आ गए।
अपने आप को चेंज करने के लिए उसने एमिली की वजह से फर्स्ट स्टेप्स उठाई है। इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।